तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपने एक छोटे से टूर के लिए। आज हमारा जो टूर होगा वो अराउंड 200 किलोमीटर्स प्लस ही होगा। तो आपको बीच बीच में परफॉर्मेंस बताएंगे कि कैसा रहा। हम इसको ट्राई करेंगे कि आपको माइलेज टेस्ट भी दिखा दें, ताकि आपको भी इसकी माइलेज का एग्जैक्टली पता चल जाए। अभी इसमें फ्यूल आधा है, तो किसी पेट्रोल पंप पे हम इसको फ्यूल अप कराएंगे और उसके बाद जीरो सेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी माइलेज ये दे रही है। तो अभी फ़िलहाल तो हम भादुगढ़ से ही निकल रहे हैं, गलियों से, और मेन रोड पे आके आपको फिर दिखाते हैं। ये अपनी जो गाड़ी है, ये टोयोटा एटियो सिलीवा है। इसमें सारी चीज़ अच्छी है, बस ये इसकी जो साउंड जो अंदर आती है, रोड नॉइज़ आती है, वो बहुत ज़्यादा आती है। एनविच लेवल इसका ठीक नहीं है, और बाकी 4-स्टार रेटेड है, इसीलिए बेस्ट है कार। और ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी है। अभी हम नाला रोड से मेन रोड के साइड में चल पड़े, रोहतक हाईवे की साइड में। ये परनाला, सॉरी, ये मतलब गांव है साखोल, उसके साथ से ये रास्ता निकलता है। और अभी इनिशियली अगर दिखाऊं तो OBD मीटर के हिसाब से हमको अभी दिखा रही है 13.9 की माइलेज, ये वाली 14 हो गई। तो इसी से हम इसकी माइलेज देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एवरेज मीटर नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ दो ही आते थे, ट्रिप 1 और ट्रिप 2, ट्रिप A और ट्रिप B। ये अभी और माइलेज में मेरे को जो दिखा रही है वो दिखा रही है 14.6। तो अभी देखते हैं आगे कितनी माइलेज देती है इसके हिसाब से, और टैंक फुल भी कराएंगे, आपको बताएंगे। टैंक फुल जब कराएंगे आपको दिखाएंगे, और ट्रिप सेट भी करेंगे, रीसेट भी करेंगे, ताकि हमको एक एक्यूरेट फिगर मिल सके। तो आगे बताते हैं आपको, देखते रहिए। ये आगे भाई पेट्रोल पंप, स्लो करके और अभी हम इसको फ्यूल अप कराएंगे। पेट्रोल किस पे लगानी है? इस पे लगानी है। अरे गुल्लू, हां उसी पे बेरी का काट दे। यहां पे 97.14, ये ऊपर तक फुल कराएंगे अभी, और फिर देखेंगे क्या माइलेज निकालने की वो कर रहा था। हाँ, तो क्योंकि इसमें माइलेज वो है नहीं, एवरेज मीटर है नहीं, तो ऐसे ही थोड़ा सा वो रहता है। फिर YouTube पे वीडियो भी डाल देंगे। फर्स्ट कट लग चुका है ये, कितने पे? 26 लीटर पे, 2529 पे। और भर दो भैया, हाँ ऊपर तक भरना है, जब आराम आराम से निकलने मत देना, बस दिखाना। आराम से, बस एक बार आराम से बाहर का कितना ले ना। इधर तक आ गए, थोड़ा सा ऊपर उठा के लो, बस बस बस, और नहीं आ गया। नहीं भाई, यहाँ तक बहुत आ चुका है, फुल हो चुकी है। ये हमारा फ्यूल आया है, अभी आपको दिखा दें।
2809 रुपए का, और इसमें आया है 28.92 लीटर, 28.92 लीटर वॉल्यूम आई है, और 2809.29, और डेट आज की है, इसमें डेट का है 30/12/2023। अब जब दोबारा से लेंगे तब आपको फिर दिखाएंगे। और ये हमने कर दिया है, ट्रिप ए को कर रहे हैं जीरो, ट्रिप ए हमने कर दिया है जीरो, तो आते समय इसी को देखेंगे कि बाईपास पर पहुंच चुके हैं। अभी हमने रीफ्यूलिंग के बाद में अभी कवर कर लिए हैं 23 किलोमीटर्स, 24 इनफैक्ट, और अभी एकदम खाली रोड है क्योंकि हाईवे है। और देखो ये ऊपर लिखा हुआ है फाजिलका, ये रोड जाता है जो फाजिलका 341 किलोमीटर्स रह रहा है। और अभी हमको जो माइलेज जो दिखा रही है अभी भी गाड़ी वो 19.4 दिखा रही है, अगर ये ठीक है तो के हैं 27 किलोमीटर, और जो अभी हमको जो माइलेज दिखा रही है 27 किलोमीटर चलने के बाद में, ये दिखा रही है 19.2। अब देखते हैं आगे ये कितनी दिखाती है, 19-20 दिखाती है, आगे बढ़ती है पीछे आती है। और रिफ्यूल करने के बाद हम चले हैं ट्रिप ए पे 10.9 यानी 11 किलोमीटर, तो बताते हैं आपको आगे क्या प्रोग्रेस है इसकी और एक्चुअल में क्या आ रही है वो, जब दोबारा से 100 किलोमीटर्स के आसपास जब हम रिफ्यूल कराएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई कितना फ्यूल आया इसने पर्टिकुलर 100 किलोमीटर या जितनी भी चलेगी उस पर। तो मिलते हैं बाद में थोड़ी देर में आपसे। अब 50 किलोमीटर्स हो चुके हैं, 51.1 किलोमीटर्स, और हम पहुँच चुके हैं खरक पहुँच चुके हैं। ये गाँव अच्छे रोड निकाल रखा है, ये गाँव का इस साइड में क्या है भाई विद्यालय है, गवर्नमेंट विद्यालय है यहाँ पे, हाँ ये खड़क गांव है। और अभी भी हमको अगर हम फोन में देखते हैं जो हमने ओडीमीटर लगा रखा है उसके हिसाब से 17 की माइलेज दिखा रही है, और जब अभी भिवानी पहुँचेंगे या उससे पहले एक टोल आएगा अभी, तो टोल पे आपको दिखाएंगे कितना टोल रेट टोल चार्जेस लगते हैं, और फिर भिवानी पहुंच के और फिर आपको अपडेट करते हैं बताते हैं। और आते समय जब 100 किलोमीटर हो जाएगी हम जो रिफ्यूल कराएंगे, हम 100 कोशिश हमारी होगी कि 100 किलोमीटर पे ही रिफ्यूल कराएं, ताकि हमको एग्जैक्ट एक फिगर मिल सके कि 50 किलोमीटर पे इसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया। भिवानी पहुँच चुके हैं अभी, और अभी जो रिफिल कराया था वहाँ से 66 किलोमीटर हो गया है। भिवानी में अभी एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसके बाद में जब वापसी करेंगे तो वापसी में इसको 100 किलोमीटर जब हो जाएगा तो रिफ्यूल कराएंगे, और उस टाइम हमको एग्जैक्ट इसकी माइलेज का पता लग जाएगा कि क्या माइलेज दे रही है। वैसे अभी का अगर बताऊँ अगर मैं आपको, तो मेरे को ये 16.4 की माइलेज दिखा रही है मेरे ओबीडी मीटर में, ये देखिए अगर क्लियरिटी आ रही है तो अभी 16.4 का दिखा रही है यहाँ तक पहुँचने में। तो मैं आपको बताता हूँ जब
वापसी में निकलेंगे तो आपको बताएंगे, और जब रिफ़िल कराएंगे तब भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितनी माइलेज आ रही है। बेसिकली एक माइलेज टेस्ट ही था मेरा, कि माइलेज का भी पता लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से इसकी एग्जैक्ट माइलेज का पता नहीं लगा था। कभी ज़्यादा भी दिखा रही थी, कभी कम भी दिखा रही थी, और इसके अंदर मीटर होता नहीं है जिससे पता लग जाए कि क्या एवरेज दे रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी भी नहीं होता। चल पड़े भाई वापसी वाणी से, और 67.6 है अभी, और शाम हो गई है, बज गए हैं 3:30, और हमें लेट हो गए। और अब आपको रास्ते में दिखाएंगे, 100 किलोमीटर हो जाएंगे जब, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है आपसे कि 100 किलोमीटर हो जाएंगे जब दोबारा से इसको रिफ्यूल कराएंगे, और आपको बताएंगे भाई कितनी माइलेज आ रही है। हम भिवानी आए थे तो जो दूसरा टोल पड़ा था, तो ये वो टोल है जो अभी भिवानी से जब जा रहे हैं वापस, तो ये पहले ये पड़ेगा। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, और अब यहाँ पे टोल कटवा के फिर आगे निकलेंगे। यहाँ से आप लेफ्ट जाओगे तो निनाण, और राइट जाओगे तो आगे जाके सांगा। ये भी टोल के ऊपर, टोल कट गया अभी 25 रुपीज़। आए थे जब 45 लगा था वन साइड का, और अब तो दोनों साइड का अप डाउन करेंगे तो 70 रुपीज़ है। तो ये तो हो गया, टोल से हम निकल गए हैं आगे, और हम 75.5 किलोमीटर चल चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 किलोमीटर्स पे मैं बताऊंगा, तो 100 किलोमीटर्स के बाद ही जो पेट्रोल पंप आएगा वहीं से हम फ्यूल लेंगे, और आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि दिखाएंगे कि कितनी इसने माइलेज दी। किलोमीटर हो गए हैं, अब 5 किलोमीटर के बाद में देखते हैं कौन सा पेट्रोल पंप आएगा अपने साइड में, वहीं से इसको रिफ्यूल कराएंगे जितना सुबह करवाया था, ब्रिम तक, ब्रिम टू ब्रिम चेक हो जाएगा कि कितना माइलेज दे रही है। तो अभी 95 हुए हैं, अगले 5 किलोमीटर के बाद में जो पेट्रोल पंप आएगा उस पर देखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमने स्पीड बहुत कम रखी है, हमने 80 के आसपास की स्पीड रखी है, 80-90 इसके बीच में हमने स्पीड रखी है। बीच में थोड़ा सा कलानोर के आसपास जो था थोड़ा जाम था, तो इसी वजह से हमको स्लो करनी पड़ी और थोड़ी सी माइलेज ड्रॉप आई है। फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं देखता हूं तो मेरे को सिर्फ 15.9 की माइलेज दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे कि भाई कितना आ रही है वो रिफ्यूलिंग के बाद में। 96.2 हो गए, 99 हो गए हैं, अब 1 किलोमीटर के बाद में जो भी अपनी साइड में पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से फ्यूल रिफ्यूल करेंगे इसको, और जब देखते हैं कितनी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कितनी माइलेज एक्चुअल में दे रही है, क्योंकि जो इसमें दिखा रही है वही एक्चुअल है या कम है या ज़्यादा है वो तो रिफ्यूलिंग के बाद ही पता लगेगा। और अब तक जैसे कि एक कंजस्टेड एरिया में से आए हैं, थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है हुआ हो, बट देखते हैं। अभी पेट्रोल पंप पे बताते हैं आपको, पेट्रोल पंप पे पहुंच के अभी 99.7 हो गई, तो पूरी 100 किलोमीटर हमारी हो चुकी है। और वेट करते हैं कि कौन सा पेट्रोल पंप पहले आएगा, जो भी पहला पेट्रोल पंप आएगा उससे हम रिफ्यूल करेंगे अपनी गाड़ी। अभी गाड़ी चली है 101.8 किलोमीटर, पेट्रोल पंप तक पहुंचते पहुंचते 102 हो जाएगी, और
अब यहाँ पे HP का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे अब इसको फुल करवाते हैं ब्रिम तक और फिर आपको बताएंगे कि कितनी माइलेज एग्जैक्टली दी। ये पेट्रोल पंप वाले भैया इंतजार करते हुए हमारा। ठीक है, जैसे सुबह लिया था ब्रिम्स तक, वहीं तक ब्रिम तक करना, आगे तक ऊपर तक करना है। पहला कट हो चुका है, पहला कट हुआ 2.54। बाहर ना निकले भाई, आराम से। ये लो भाई, ब्रिम तक आ चुका है पूरा। ये देखो यहाँ तक आ चुका है, जितना सुबह लिया था उतना। और ये आया 537 रुपये 15 पैसे का। ये तो जो सुबह लिया था फ्यूल, वो है जो सुबह हमें, देखो आज की डेट है, और ये सुबह हमने फ्यूल लिया था 28.92। और ये अभी है, अभी जो हमने लिया है 100 किलोमीटर के बाद में, ये है 5.52। ये आज की है 30/12/2023, आप डेट दिया कर सकते हैं। और 537 रुपये 15 पैसे का आया 5.52 लीटर। अब हम तो अभी हम चले हैं 102 किलोमीटर, तो 102 / अभी जो हमारा 5.52 आया है, तो 5.52, तो हमारी जो माइलेज आ रही है वो 18.47 की आ रही है। तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी माइलेज है इसकी, 18.42 की।